अब आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर ऐसी कुछ टिप्स बताएं, ऐसी कुछ बातें बताएं जिससे हम अपनी पढ़ी हुई चीजों को एग्जाम तक याद रख पाएं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, हर कोई विद्यार्थी अपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अपने अपने तरीके से तैयारी करता है, लेकिन हमने कितना सीखा, हमने क्या पाया, क्या हमने सीखा है, क्या हमने मेहनत की है, ये सारी बातें आपका एग्जामिनेशन का पेपर आपके मार्क्स बताते हैं। क्योंकि आप जब कि आपके मार्क्स आएंगे तो लोग वही देखेंगे और तभी कहेंगे कि आपने पढ़ाई की। अगर आपने बहुत मेहनत की, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की। तो आज हम जानेंगे कि आप ऐसी किन बातों को अपनाएं जिससे कि आप पढ़ी हुई चीजों को अपने एग्जाम तक या उसके बाद भी आप एग्जाम की तैयारी में याद रख पाए, अपनी चीजों को सही से एग्जीक्यूट कर पाए। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने वाला हूँ कि एग्जाम तक किसी भी चीज को कैसे याद करें। सबसे पहले जान लीजिए, मैं दोस्तों आपको अपनी सेल्फ अप्लाइड टिप्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने भी अपने एग्जाम के दौरान अप्लाई की थी। आप एक काम करिए, आप जो भी पढ़ते हैं आज से सिर्फ एक पॉइंट लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद कि मैं आज बिना पेन और पेपर के किसी भी किताब को नहीं पढ़ूंगा। अगर मैंने कोई किताब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उस किताब के साथ अपने हाथ में हमेशा अपनी पेन और एक नोटबुक रख कर चलूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। लीजिए कि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और आप कहानी की तरह उसको पढ़ गए, लेकिन आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट नहीं किए तो एग्जाम में आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो इसलिए मान लीजिए कि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो पहले आप देखिए कि वो कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लीडर उसमें शामिल थे, क्या क्या उसके कारण थे, कैसे उसको सरप्रेस किया गया, कैसे फ्रांस की जनता ने रिवॉल्यूशन करके अपने शासन को पाया। तो बहुत सारी चीजें, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको उसमें मिलेंगे और आपको उनके छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आपकी सहायता करेगा। जैसे आपके एग्जाम के दिन और नजदीक आएंगे और आप मान लीजिए सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हो, हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, तब आप उन्हीं नोट्स की मदद से आप क्विक रिकैप कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले इतना समय नहीं होता कि आप चीजों को शुरुआत से पढ़ करके रिकवर कर जाएं, आप चीजों को पढ़ करके अच्छा कर ले। नहीं, ये आपके शॉर्ट पॉइंट नोट्स जो आपने बनाए हैं, जो कि आपके दिमाग में बैठे होते हैं, जैसे ही आप इन पॉइंट्स को देखोगे पूरी पूरी चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी और इसी को जा करके आप अपनी आंसर शीट में लिखोगे। तो सबसे पहला काम यही करना है, जब भी पढ़े पेन और पेपर के बिना नहीं पढ़े, कथा कहानी की तरह ना पढ़े। कहने का मतलब आप बोलते हो आपको चीजें याद भी होती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बोलने के बाद चीजें याद नहीं होती, आप बोलकर पढ़ते हो बहुत सारी चीजें दिमाग में जाती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आंसर का क्रक्स छुपा होता है और उसी पॉइंट्स को आपको अपने आंसर शीट में लिखना है, उन्हीं पॉइंट्स को अपने नोटबुक में आपको नोट करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी आप पढ़ें तो स्टैटिक तरीके से ना पढ़ें, आप अलग अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि आप कोई वीडियो देखते हो तो वीडियो में जो चीजें रहती हैं विजुलाइजेशन के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती हैं और वो चीजें आपको काफी समय तक याद रहती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप YouTube के माध्यम से, कई सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीजों को सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप अभी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आ रहा, तो आपने YouTube पर वीडियो देखा, तो कई बार क्या होता है जो चित्र होते हैं बहुत समय तक याद रहते हैं। तो आप गए एग्जाम में और मान लीजिए आपसे हाइजीन से एक्सपेरिमेंट पूछ लिया गया, हाइजीन का एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा गया, तो आपने हाइजीन के प्रयोग के बारे में डायग्राम बनाया, कुछ पॉइंट्स आपको फिगर में से याद आ जाएंगे। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम विजुलाइज करके भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो तो उस क्रांति में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, आप इमेजिन करके पढ़ो, आप विजुलाइज करने का प्रयास करो जिससे कि आपने आंसर को आप सही तरीके से लिख पाओ। और मैं आपको बता दूं, कहते हो कि सर ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई नहीं हो पाती, तो मैं आपको बता दूं ग्रुप डिस्कशन में आप पढ़ाई करने की कोशिश करिए। आप ऐसे अपने 3-4-5 दोस्तों का ग्रुप रखिए जो पढ़ने के ओरिएंटेड हो, जो पढ़ाई के ओरिएंटेड हो, यानी जो पढ़ाई की बातें ही करते हो, जो आपको कुछ नया सिखा पाए। तो मैं आपको बताता हूं इसका फायदा आप कैसे ले सकते हो। मान लीजिए कि आप लोग 3 दोस्त हो, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है, किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो आप क्या करो फिजिक्स का एक टॉपिक लो और अपने उस दोस्त को कॉल करो जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है तो वो आपको कुछ नई बातें बताएगा जो आपके एग्जाम में, जो आपको आंसर फ्रेम करने में, आंसर लिखने में परीक्षा में मदद करेगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपना बेस्ट देते हैं फिर भी हम कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, लेकिन हमें जब दूसरा वो पॉइंट याद दिला देता है तो हम उस आंसर को अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से फ्रेम करके लिख पाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, अपने बीच में आप डिस्कशन करते रहिए, क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है, अगर आप कहीं पर गलत हो तो आपको कोई करेक्ट करने वाला होगा, आपको नहीं पता लगेगा कि हाँ मैंने जो लिया है सही नॉलेज है कि नहीं, आपको ये भी पता चलता है। अब मान लीजिए किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपने उससे बात की, या क्या करो एक जगह पर आप तीनों एकत्रित हो और
एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद आप तीनों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते चले जाओ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अच्छा डिस्कशन किया है, फ्रूटफुल डिस्कशन किया, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर देंगी। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आ गया और आपके दोस्त ने झटके में ही कैटलिस्ट का नाम लिया था, झटके में ही प्रोडक्ट का नाम लिया था, लेकिन आपको वो बातें याद रहेंगी, आप एग्जाम में जरूर करके उसको आ जाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ें, ग्रुप डिस्कशन पढ़ें, लेकिन हाँ, डिस्कशन का कोर हमेशा मेन एम यही रखें कि आपको स्टडी करनी है। ये नहीं कि डिस्कशन आपका पढ़ाई पर चल रहा है, आप लोग फिल्म की बातें करने लगे, आप लोग कहां जाना है एग्जाम बाद, ये बातें करने, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि हम लोग 3 घंटे का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा थीम सिर्फ स्टडी होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो भी आप पढ़ते हैं उसकी बार बार उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। कहने का मतलब, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको नए इनोवेटिव तरीके से आपने पढ़ लिया, आपने मैंने जैसे बताया विजुलाइजेशन टेक्निक से पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी, लेकिन आप उन चीजों को बार बार रिविजन करते रहें। तो अगली मेरी टिप यही है कि रिविजन इज मस्ट। अब आपका एग्जाम नजदीक है, नई चीजों को पढ़ने से बचें। जो आपने कोर चीजें पढ़ी हैं, मेन चीजें पढ़ी हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को पॉलिश करिए, रिवाइज करते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी ये सारी चीजें आपके दिमाग में एग्जाम तक रिटेन रहेंगी और आपको आपके परीक्षा में अच्छी अंक लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहे थे कि सर एग्जाम आ रहा है, कैसे रिवीजन करें, कैसे चीजों को एग्जाम तक रिटेन करें। तो मैंने सोचा कि आपकी समस्या को सॉल्व करूं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, जो भी टिप आपको अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, इन बातों को फॉलो करिए, एग्जाम तक सारी चीजें आपको रिटेन रहेंगी, ऐसा मैं आपको बताता हूं। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।